नमस्कार दोस्तों, घर पे बनाइए कुकर में स्वादिष्ट चटपटा मसालेदार छोला। गर्मी हो या ठंडी, सबका फेवरेट है छोला भटूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम आपको बना के दिखाएंगे चने का छोला। फ्रेंड्स, हम इसको कुकर में बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट एकदम ढाबे स्टाइल बना के दिखाएंगे आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चना को रात भर भिगा लिया था, उसके बाद हम पानी इसका छान लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मसाला रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ग्राइंडर में छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं। अब बड़े साइज का दो प्याज ले सकते हैं, मैंने छोटे छोटे इतने लिए हैं। बड़े साइज का दो प्याज लीजिएगा। लहसुन इसको छील के कम से कम 12-15 कली होनी चाहिए, आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा मैंने ले लिया है, इसको भी डाल दिया इसी में। हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच हमने सौंफ डाल दिया है। इन दोनों को हम इसमें पीस लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा हो ग्रेवी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाल दी है। आप चाहें तो आप लाल मिर्ची या कसूरी मिर्ची, जो भी आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं। कम से कम 7-8 मिर्ची मैंने इसमें ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्याज का मसाला तो रेडी कर लिया है। अब हम दो टमाटर बड़े बड़े लेंगे, उसको कट करके उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी ग्राइंड करके एक कटोरी में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर को भी पेस्ट बना लिया है। कुकर गर्म हो चुका है, अब हम तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, हम छोला जब बनाते हैं तो तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहती है, इसलिए हमने 3 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता एक, हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी राई डाल दिया है, आधा चम्मच मेथी डाल दिया और आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाल दिया है। फ्रेंड्स, हम खड़े मसाले का भी यूज़ करते हैं। हमने 2 इलायची लिया है और 4 लौंग ले लिया है, इसको भी डाल देंगे। इलायची आप कूट के भी डाल सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से छील के भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हमने इसमें 5-7 काली मिर्च ले लिया है, उसको भी डाल दिया। फ्रेंड्स, आपके पास खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी ये सब हो तो आप उसको डाल सकते हैं। हमारा तड़का सिर्फ गोल्डन ब्राउन होना चाहिए फ्रेंड्स, काला नहीं होना चाहिए, हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमने पेस्ट बनाया था, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, फटाफट बहुत ही जल्दी हमारा ये सब्जी छोला बन जाएगा, एकदम ढाबे के स्टाइल में बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुकर में बनाने का। अब मैंने इसको बिना बॉईल किए बनाया है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे खड़ी प्याज को चॉप करके डालते हैं, बहुत सारे लोगों को प्याज ऐसे भी पसंद होता है, इसलिए हम दोनों तरीके से डाल देंगे और हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्रेंड्स, हमको इसको कंटिन्यू में चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमारा प्याज पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, हमने पेस्ट बना के रखा था, और साथ ही साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी होगा हमारा 1 चम्मच। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से 10 मिनट में फटाफट आप कुकर में इसको बना सकते हैं, बस सारे टिप्स फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, आधा 1 चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर, अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर भी पक चुका है, मसाला एकदम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच खटाई का आमचूर और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हींग। फ्रेंड्स, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई किसी को चना डाइजेस्ट नहीं होता है तो हींग उसमें ज़रूर डालिएगा, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी एकदम पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने डाल दिया है एक कप। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी इस तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चना। हमने पूरा चना एक साथ ही डाल दिया है। फ्रेंड्स, इसको चला देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। हमने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, हम इसमें डाल मिर्ची और हमने इतना सा कसूरी मेथी लिया है, इसको ऐसे इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 4-5 सीटी लगा देंगे और हमारा चटपटा छोला बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना निकालने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आ रहा है, एकदम ढाबे के स्टाइल में हमारा छोला बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए, फटाफट बन गया है, 10 मिनट के अंदर हमारा छोला। अब हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। आप इसको धनिया पत्ती डाल के, क्रीम डाल के इसको अच्छे से गार्निश कीजिएगा। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, सबसे स्वादिष्ट चटपटा हमारा छोला बन के तैयार हो चुका है। आप इसमें बटर भी डाल के खूब अच्छे से इसको गार्निश कर सकते हैं। हम भटूरे के रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है 1-2 कटोरी, एक पहले ले लिया था, एक अभी ले लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। फ्रेंड्स, दही भी हमको ऐसे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा भटूरा एकदम से लूज ना हो। अब इसको हाथ से अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने टाइट टाइट आटा गूंथ लिया है, इस तरीके से है। अब इसको हम कम से कम आधा घंटा तक के लिए रेस्ट पे रख देंगे। एक घंटे बाद हमने इसको फिर से आटे को अच्छे से मसल लिया है, मैदा को। अब हम छोटी छोटी लोई लेके इस तरीके से, इतनी बड़ी लोई लेके हम इसको बेलेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। तो बेलने के बाद हम इसको तलेंगे तेल में, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे प्यारा छोला भटूरा हमारा बनके तैयार हो चुका है।